सरकार की मानसिकता साफ होती है कि इस आंदोलन को लेकर सरकार क्या कह रही है? अभी स्वतंत्र है ना, अभी तो बोल रहे हैं आराम से, फ्रीडम है, सब छोड़ दिया उनको। अच्छा, मतलब ये भी एहसान किया जा रहा है? अपने मतलब का आंकड़ा क्यों नहीं देखूंगा? आंकड़ा गलत है कि सही है ये बताइए, आंकड़ा सही है ना? कोरोना फैलाने का काम चीन ने किया। ये देखिए, ये ना LKG UKG वाला नैरेटिव कम से कम मेरे शो पे मत कीजिए। हम अक्सर बात मीडिया की करते हैं क्योंकि मीडिया में सवाल विपक्ष से होते हैं, ना कि सरकार से। मीडिया एंकर अक्सर विपक्ष के नेताओं से ही लड़ते दिखाई देते हैं। आज हम बात लेकिन संदीप चौधरी की डिबेट्स की कर रहे हैं, जो सवाल विपक्ष के नेताओं से तो करते ही हैं, पर तीखे सवाल बीजेपी के नेताओं से भी करते हैं, जो कि जरूरी भी है क्योंकि सत्ता में उनकी सरकार है। आज हम उनकी कुछ डिबेट्स देखेंगे जिनमें सवाल बीजेपी के नेताओं से हो रहे हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर न्यूज 24 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर संदीप चौधरी ने बीजेपी के समर्थक पार्टी LGP के नेता से किसान आंदोलन को लेकर कुछ सवाल किए, पर वह बात को टालते नजर आए और सरकार की तारीफ करते भी, जिसके बाद उन्हें संदीप ने अपने तीखे सवालों में घेर लिया। एक ही वाजपेयी, मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है ना, एक जानकारी दी जा रही है, उसमें आप हिरासत में ले लो। सरकार की मानसिकता साफ होती है कि इस आंदोलन को लेकर सरकार क्या कह रही है? अभी स्वतंत्र है ना, अभी तो बोल रहे हैं आराम से, फ्रीडम है, सब छोड़ दिया उनको। अच्छा, मतलब ये भी एहसान किया जा रहा है? सरकार को इन्वॉल्व ना करिए, लॉ एंड ऑर्डर का जो कार्यक्रम होता है वो पुलिस कौन करता है? पुलिस करता है। पुलिस सरकार का हिस्सा नहीं है? नहीं, बिल्कुल सरकार नहीं बताती है। कानून ऑर्डर का मेंटेन करना है। अच्छा, पुलिस इतनी स्वतंत्र है इस देश में, सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आता? सरकार कहेगा कि आप जाके उसको अरेस्ट कर लीजिए या नहीं तो। अच्छा, ये नहीं कहा गया, उसका सरकार ये नहीं कहा गया? बिल्कुल नहीं कहा गया, उसको चलाए पूरे मतलब देश। ये वो वाली बात है कि अगर पश्चिम बंगाल में हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया, हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया, रैली की परमिशन नहीं मिली, तो संविधान की धज्जियां उड़ रही है। संदीप जी, संविधान की धज्जियां उड़ती है। यहाँ पर एक शांतिपूर्ण आंदोलन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसमें कुछ नहीं, सामान्य प्रक्रिया। कोरोना के मुद्दे पर न्यूज 24 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर संदीप चौधरी ने कोरोना बढ़ने को लेकर सरकार की कमियों को लेकर बीजेपी नेता से सवाल किए, जिसके जवाब में वह बात को गोलमोल घुमाते दिखे और सरकार की तारीफ भी करते दिखे, जिस पर संदीप ने उन्हें सही से सवालों के जवाब देने को कहा कि पिछले साल जो हुआ फिर से ना आ जाए, कहीं कहीं कर्फ्यू हो रहे हैं, कहीं लॉकडाउन हो रहे हैं, पूरी सप्लाई चेन रुक रही है, तो अर्थव्यवस्था थमेगी, प्रोडक्शन ठप होगी, फैक्ट्रियां बंद होंगी या कम कैपेसिटी पर काम करेंगी, तो नौकरियों पर गाज गिरेगी या फिर तनख्वाहें काटी जाएंगी, ये सब कुछ हमने झेला है ना, तो पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर हम करेक्टिव मेजर्स क्या ले रहे हैं या लेने नहीं चाहिए क्या? ये निश्चित रूप से इसकी चर्चा और इसकी रणनीति ऑलरेडी जो है चर्चा भी हुई है, इसकी रणनीति भी बनी है। देश के जितने भी, आज मुझे ये बताइए कि कोरोना जो है ना मिटाने का काम भारत कर रहा है, कोरोना फैलाने का काम चीन ने किया। LKG UKG वाला नैरेटिव कम से कम मेरे शो पे मत कीजिए कि हम बचा रहे हैं। मेरे भाई, मैं अपने इतना सरलीकरण मत कीजिए, सुनो। अरे आप इतने संजीदा व्यक्ति हैं, इतना सरलीकरण मत कीजिए। मैं नैरेटिव सुनो। न्यूज 24 पर किसान आंदोलन को लेकर हुई एक डिबेट में एंकर ने गवर्नर सत्यपाल मलिक के किसान आंदोलन को लेकर एक बयान पर बीजेपी नेता से सवाल किए, जिस पर वह उनके बयान को नकारते नजर आए और सरकार की उपलब्धियां बताने लगे, जिस पर संदीप ने उन्हें तीखे सवालों में घेरा और सही से बातों को जवाब देने को कहा। सरकार जानती है MSP नहीं मिल रही है, यह सरकार के आंकड़े। संदीप जी, मैं वही कहना चाहूंगा, देखिए ये जो कह रहे हैं अभी, इन्होंने अपने मतलब का आंकड़ा चुन लिया। देश में क्या स्थिति चल रही है, कोविड की क्या पोजीशन है, डिमांड सप्लाई की क्या पोजीशन है, उसको हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अपने मतलब का देखेंगे। जहां आज मध्य प्रदेश देखेंगे, अपने मतलब का आंकड़ा क्यों नहीं देखूंगा, आंकड़ा गलत है कि सही है ये बताइए। संदीप जी, आंकड़ा सही है ना? संदीप जी, वेरीफाई करने का विषय है, साथ में ये भी देखने का विषय है कि आज मंडियों की व्यवस्था क्या है, पूरे देश में कितनी मंडी है, डिमांड सप्लाई क्या है। तो बता दिया मैंने, 7,000 भी मंडियां नहीं है, 46,000 मंडी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, इस फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 में जहां 60,000 करोड़ का धान परचेज हुआ है, 318 लाख मेट्रिक टन, सिर्फ पंजाब में 202.77 लाख मेट्रिक टन परचेज हुआ है, 64% के लगभग, तो ये डेटा आप क्यों नहीं दिखाते? मैं सारे डेटा दिखाता हूँ, फिर आप कहेंगे गेहूं का, मैं बताऊं। न्यूज 24 पर कोरोना से बढ़ती बेरोजगारी की चिंता को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल किए
जिस पर वह चिंता तो जाहिर कर रहे थे पर सरकार की तैयारी पर कुछ ठीक से जवाब ना दे पाए, जिस पर एंकर ने उन्हें बेरोजगारी की समस्या हल करने को लेकर कुछ ठोस जवाब देने को कहा। 2 जून रोटी मिल गई 80 करोड़ लोगों को, आप 5 किलो अनाज या 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे रहे हैं, पर नौकरी नहीं है, चूल्हा चल नहीं रहा है घर में ढंग से, या जो आपका लाइफस्टाइल था पहले वो लाइफस्टाइल आप लीड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से लोग शर्म के मारे घर में अपने परिवार अपनी बीवी अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे कि भैया तनख्वाह कट गई है, पहले जो दे पाता था अब नहीं दे पाऊंगा, तो ये डिमांड्स ना कीजिए। मैं हकीकत बयां कर रहा हूं ना, ये हकीकत मैं इसे नकारता नहीं हूं, ये मेरे जो जिस एरिया में मैं रहता हूं, जिस जो मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवारजन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, सबका यही एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको मैं एग्री करता हूं, मैं उसको नो भी नहीं बोलता। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आपने बोला जान है तो जहान है, अगर आज हम बच गए तो आगे कल हम उठ के वापस कमा सकते हैं। अगर कोरोना की महामारी से हम शिकार हुए, ना जान रहेगा ना कुछ रहेगा। अगर गोदी मीडिया भी बीजेपी नेताओं से जरूरी मुद्दों पर तीखे सवाल करे तो इस दिन का इंतजार तो जनता भी कर रही है और हम भी। हम उम्मीद करेंगे कि संदीप सरकार के नेताओं से इसी तरह सवाल करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.